महाराज जी जो कुछ समय के लिए अन्वय वनवास को चले गए, अन इतरतः वन वन में जिन्होंने लंकापुरी तक भ्रमण किया, लंका तक जो गए, चार्थेषु विज्ञः चार्थेषु पदार्थेषु, जिन्होंने संपूर्ण पदार्थों का परित्याग करके विशेष उदासी तापस वेश, इस विशेष उदासी वेश में जिन्होंने वन में निवास किया। इस श्लोक पर राम जी घट रहे हैं महाराज जी, भागवत जी को पहला श्लोक है। कोई कह दे वे भैया भागवत जी की कथा राममयी हो रही है महाराज, ऐसा आनंद तो डॉक्टर साहब हमें आज से पहले कभी नहीं मिला, राममयी कथा। चार्थेषु विज्ञः पदार्थेषु अभिता जानाति इति अभिज्ञः, भैया स्वर्णमृग बन करके आया अभिज्ञः, राम जी विज्ञ हैं, जानते हैं कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म। महाराज जी राम जी को पता है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म, इस दुनिया में स्वर्ण का मृग पैदा ही नहीं हो सकता, पर अभिज्ञ फिर भी विज्ञ होते हुए भी अभिज्ञ की तरह भगवान राम ने स्वर्ण मृग के पीछे गए। एक संत हमसे अच्छी बात कह रहे थे, राम जी क्यों गए पीछे पीछे, इसका उत्तर किसी रामायण में नहीं है, इसका उत्तर भागवत जी में है महाराज जी, क्योंकि दैत एप सितम अन्वधा, विवाह से लेके आज तक पहली बार सीता जी ने राम जी से कुछ मांगा है महाराज, आज तक कुछ नहीं। कई बार प्रेम में सहज होना जरूरी है, आज भी कह देते ये स्वर्ण का मृगी नहीं, ये तो गलत है, ये इसके पीछे क्यों जाऊं, ज्यादा बुद्धि लगा देते तो सीता जी की प्रथम मांग, पहली बार तो मैंने कुछ मांगा और उसमें भी आपने तर्क रख दिए सामने,